हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ पल्टन मूवी के बारे में। इस मूवी में अभिषेक बच्चन ज़रूर थे, लेकिन अब वो बिल्कुल इस मूवी का पार्ट नहीं है। और इस फिल्म के लिए, उनके रोल के लिए अब हर्षवर्धन राणे को लिया गया है। ये नहीं कि हर्षवर्धन राणे रिप्लेस किया, ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक बच्चन ने खुद इस फिल्म को छोड़ दिया, और 24 घंटे से कम का वक्त बचा था जब सभी को लद्दाख जाना था शूटिंग के लिए। उसी टाइम जो डायरेक्टर है उनसे जाके अभिषेक मिले और अपना रीज़न बताया। रीज़न को बिना अनवील करते हुए डायरेक्टर ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टर ने कहा, निधि जो डायरेक्टर है, डॉटर ऑफ आई मीन जेपी दत्ता की बेटी निधि ने कहा, अभिषेक इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ पल्टन फॉर पर्सनल रीजंस बेस्ट नोन टू हिम। पर्सनल रीजंस क्या है कुछ बताया नहीं गया, क्योंकि पर्सनल रीजंस ही वही होते हैं बताए नहीं जाते। इट हैज कम एज अ शॉक एज हैपेंड लेस देन 24 आवर्स बिफोर अवर यूनिट लेफ्ट टू शूट इन लद्दाख। लद्दाख जाने के लिए हमारी टीम रेडी थी, और उसी टाइम में ये पूरा उसी के कुछ वक्त पहले ही ये सब चीज़ें हुई। तो एट द एंड ऑफ द मोमेंट हर्षवर्धन राणे को इस फिल्म के लिए लिया गया है उनके रोल के लिए, क्योंकि उनकी भी कदकाठी वैसे ही है और पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न रहा होगा अभिषेक बच्चन के इस फिल्म से बाहर निकलने का? मुझे तो यार बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि इस फिल्म से, और खास करके अभिषेक बच्चन से, क्योंकि अभिषेक बच्चन ने पहली फिल्म में भी आई थिंक, नहीं पहली फिल्म नहीं था, माफ़ कीजिए, पहली फिल्म में तो पार्ट नहीं था, बट कहीं ना कहीं एक दो बार सोल्जर्स का रोल अभिषेक बच्चन ने प्ले किया है। तो उम्मीदें ज़रूर ज़्यादा थी उनसे कि इस फिल्म में भी नजर आएंगे एक अच्छे खासे रोल में, लेकिन अभिषेक बच्चन पीछे हट गए और उनकी फैंस को जरूर इससे दुख होगा। आपको खुशी है या दुख है ज़रूर बताइए इस बारे में, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय।